नमस्कार मित्रों, संदीप कुमार शर्मा तकनीक मित्रों के साथ YouTube चैनल पर एक बार फिर से। तो आज हम जो है YouTube सीरीज को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, कि पिछली बार हमने आपको मोनेटाइजेशन ऑन करने का तरीका बताया था। आज हम आपको ये सिखाएंगे कि किस तरह से आप अपने YouTube के होम पेज यानी कि चैनल टैब जहाँ आता है उस पर एक अपना नया दूसरा चैनल कैसे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम ये बात कर लें कि चैनल टैब होता क्या है। देखिए, आप जब अपना YouTube खोलते हैं और वहाँ पर अपने अकाउंट सेक्शन पर क्लिक करते हैं बटन पे, तो वहाँ पर आपको योर चैनल मिलता है। उस पर जैसे अपन क्लिक करते हैं तो कुछ टैब बने होते हैं, जैसे होम टैब, वीडियो टैब, प्लेलिस्ट टैब, मेंबरशिप टैब और चैनल टैब, और इसके बाद में सॉरी प्लेलिस्ट टैब, कम्युनिटी टैब, मेंबरशिप टैब, चैनल टैब और अबाउट टैब, ये ऑप्शन आपको मिलते हैं। चैनल टैब पे हम क्लिक करते हैं, सामान्य तो हमें लिखा आता है दिस चैनल डज नॉट फीचर एनी चैनल, लेकिन आपको उस सेक्शन में कोई चैनल लगाने हो अपने पसंद के, जैसे आपको चाहते हो कि किसी का प्रसिद्ध चैनल आपके चैनल के उस चैनल टैब पर लग जाए, तो जो है आपका साथ दूसरा चैनल उसका ही प्रचार हो, या फिर ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आपका कोई दूसरा चैनल है आपको उसको चैनल टैब पर लगा कर अपने इस चैनल के साथ उस चैनल को ही प्रमोट करना हो, तो आप ये कर सकते हैं। बहुत आसान है, चलिए सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। हमें इसके लिए क्रोम खोलना पड़ेगा, क्रोम। बाकी तो सारी प्रक्रिया आपको पता है, कैसे लॉग इन करते हैं, क्या करते हैं वो, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर इसमें कुछ चीजें दी गई है, जैसे ऊपर देखिए सबसे पहले टैब लिस्ट है। यहाँ पर हम एक बात आपको बता दें कि जैसे हम चैनल को ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ लेफ्ट साइड की तरफ टैब दिखाई देते हैं, जैसे डैशबोर्ड, प्लेलिस्ट, कंटेंट और उसके बाद अपना कमेंट्स, उसके बाद अपना क्या होता है उसका यू नो मोनेटाइजेशन, नहीं उससे पहले आता है वो क्या, कॉपीराइट, मोनेटाइजेशन, फिर कस्टमाइज चैनल, ठीक है ना। कस्टमाइज चैनल पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे आपको मिलेगा वहाँ पर टैब में लेआउट टैब, फिर उसके बाद में आपको मिलेगा अपना लेआउट टैब के बाद मिलता है आपको ब्रांडिंग टैब और फिर जनरल टैब, तो ये तीन टैब मिलते हैं। हमें दूसरे टैब को नहीं छेड़ना, एक बार उसे हम बाद में समझेंगे। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि लेआउट टैब में कैसे हम सेट कर सकते हैं। मैं आपको आगे ये भी सिखाऊंगा कि लेआउट टैब में आप अपने होम चैनल पर मेन कुछ जो बाद के जो आपके नए आपके सदस्य हैं उनको कौन सा वीडियो होम टैब पर पहले दिखना चाहिए, या आपको कौन सा पॉपुलर या ऐसे जो आपके सदस्य नहीं उनको कौन सा वीडियो दिखना चाहिए, या आप कौन कौन सी वीडियो वहां पर लगा सकते हैं, तो वो सब चीज़ें हम यहां सीखेंगे। इसके अलावा अगर आपको अपने चैनल पे किसी जैसे आप अबाउट सेक्शन में लोग जो टेलीग्राम का व्हाट्सएप का ये लिंक लगाते हैं तो वो कैसे लगाएंगे वो भी हम सिखाएंगे, लेकिन आज तो हम सिंपल बात करेंगे कि कैसे हम चैनल यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जाना है लेआउट टैब में, बस आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप कस्टमाइज पे क्लिक करोगे तो वो आपको लेआउट टैब पर ही उसका कर्सर होता है, नीचे स्वाइप कीजिएगा। अगर आपने कोई वीडियो वीडियो जोड़ रखे हैं तो वो वीडियो दिखाई देगा, नहीं तो आपको सीधा ही ऐड सेक्शन मिलेगा। मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियो ऐड कर रखे हैं इसलिए मुझे यहाँ पर वो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते ये ऑप्शन देखना तो सीधा ही जब आप फर्स्ट बार ये काम करेंगे तो आपको ऐड सेक्शन मिलेगा राइट हैंड की तरफ। मैंने डार्क थीम कर रखी है, अगर आप डार्क थीम करेंगे तो आपको अच्छे से ब्लू कलर में ये दिखाई देगा। लेआउट, लेआउट, ब्रांडिंग, ब्रांडिंग, सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी, यानी कि लेआउट, ब्रांडिंग एंड जनरल, ठीक है। तो हम लेआउट पे ही चलेंगे, टैब लिस्ट, नीचे चलेंगे, अपने नो डिस्क्रिप्शन ऑफ वीडियो का शीर्षक, यहाँ पर आप अपनी पसंद के कुछ वीडियो डाल सकते हैं, मतलब जैसा कि आपको हम अपनी पसंद के कुछ वीडियो डाल लें तो आप उनके वीडियो जो आपके प्रसिद्ध वीडियो हो तो अपने होम पेज पर डाल सकते हैं आप। इसके अलावा हमें पहले मोर ऑप्शन में जाकर इसको डेस्कटॉप साइट कर लेते हैं। बुकमार्क, प्री, शेयर, फाइंड, ट्रांसलेट, ऐड टू, टर्न ऑन, स्टॉप, टर्न ऑन रिक्वेस्ट डेस्कटॉप, ओके। इससे क्या हमें थोड़ा ज्यादा आसानी रहेगी, ये डेस्कटॉप स्टूडियो वेब व्यू डेस्कटॉप पर कर लिया मैंने। तो यहाँ पर हमारे कुछ चुनिंदा वीडियो है, आप भी ऐसे वीडियो डाल सकते हैं यहाँ पर अपनी पसंद के, तो इसके विषय में आपको मैं कभी फिर बताऊंगा। आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से ज्यादा जाने है? लिंक
हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम हाँ भर दूंगा एक दो मिनट, चैनल हमारे YouTube के होम पर ऐड कर सकते हैं, देख रहा हूँ चैनल पेज पे, ठीक है ना। तो ये तो मेरे कुछ वीडियो लगाए हुए हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेक्शन जोड़े, एक ऑप्शन आपको मिलता है ऐड सेक्शन, इसमें हिंदी बोल रहा है सेक्शन जोड़े, लेकिन आपको मिलेगा ऐड सेक्शन। डबल टैप करेंगे, डायलॉग यहाँ पर कुछ डायलॉग खुला है। 13 वीडियो, पहला है वीडियो इन लिस्ट आइटम 1 ऑफ 13 अपलोड किए गए वीडियो, यानी कि अपलोडेड वीडियो इन लिस्ट आइटम 2 ऑफ 13 लोकप्रिय वीडियो, यानी कि पॉपुलर वीडियोस आप यहाँ पर लगा सकते हैं अपने होम सेक्शन में। इन लिस्ट आइटम 3 ऑफ 13 छोटे वीडियो, शॉर्ट वीडियोस इन लिस्ट आइटम 4 ऑफ 13 लाइव वीडियो, लाइव वीडियोस इन लिस्ट आइटम 5 ऑफ 13 पिछली लाइव स्ट्रीम, यानी कि ओल्ड लाइव स्ट्रीम जो पहले आप कर चुके हैं। इन लिस्ट आइटम 6 ऑफ 13 आने वाली लाइव स्ट्रीम, अपकमिंग लाइव स्ट्रीम। मैं आपको हिंदी अर्थ भी बता रहा हूँ, जिससे कुछ लोग जो है ना अंग्रेजी के प्रेमी वो ऐसा कहेंगे कि आप तो हिंदी में बता रहे हो, इसलिए मैं अंग्रेजी भी अनुवाद कर रहा हूँ। आपको ये ऑप्शन मिलेगा अपकमिंग लाइव स्ट्रीम। प्लेलिस्ट डिसेबल, प्लेलिस्ट आप समझ गए बताने की जरूरत। लिस्ट आइटम 7 ऑफ 13 सिंगल प्लेलिस्ट, सिंगल प्लेलिस्ट इसको भी बताने की जरूरत नहीं है। लिस्ट आइटम 8 ऑफ 13 बनाई गई प्लेलिस्ट, यानी कि मिड प्लेलिस्ट, ठीक है। इन लिस्ट आइटम 9 ऑफ 13 कई प्लेलिस्ट, मोर प्लेलिस्ट। पैसे चुका कर ली जाने वाली सदस्यताएं, पेड डिसेबल, पेड डिस्क्रिप्शन सब्सक्रिप्शन। आइटम 10 ऑफ 13 सिर्फ सदस्यों के लिए उपलब्ध वीडियो, ओनली मेंबर्स। इन लिस्ट आइटम 11 ऑफ 13 सदस्य को पहचान दिलाना, सदस्य को पहचान दिलाना, 12 नंबर ऑप्शन है। चैनल डिसेबल, ये चैनल है। इन लिस्ट आइटम 12 ऑफ 13 सदस्यता, सदस्यता जो आपने मेंबरशिप ले रखी है उनमें से कोई भी चैनल आप लगाना चाहें यहाँ पर। इन लिस्ट आइटम 13 ऑफ 13 चुनिंदा चैनल, कस्टमाइज चैनल, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। एडिट बॉक्स ऐड सेक्शन टाइटल, यहाँ पर आप भारत सेक्शन ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसे अंग्रेजी कर लेते हैं। इंडिया क्विटी कीबोर्ड, यहाँ पर आप सेक्शन का कोई अपने होम पेज पर दिखाने के लिए नाम लिख सकते हैं, जैसे एक मिनट इसको मैं हटाता हूँ कीबोर्ड को, तब समझेंगे। यहाँ पर देखिए सेक्शन टाइटल, सेक्शन टाइटल में हम डाल देते हैं शोइंग डिलीट, लिख देते हैं स्टॉप वॉइस टाइपिंग चैनल, ये मैंने चैनल लिख दिया इस पर, देखते हैं एडिटिंग चैनल, ठीक है, नीचे चलेंगे। अब हम अब यहाँ पर आप टाइटल दे सकते हो चैनल का कोई भी, जो चैनल इसके नीचे थोड़ा बड़ा हो गया ये डिस्प्ले, ठीक है ना। और एक मिनट थोड़ा सा आपको सही से बताया जाए। बटन डिसेबल, एडिट बॉक्स यूट्यूब, ये देखिए यहाँ पर आप एक चैनल बना सकते हैं, यूट्यूब आ गया ना, को थोड़ा छोटा करते हैं हम, ठीक है, ओके। यहाँ पर देखिए चैनल, एक बटन दिया गया है यहाँ पर, टैब ग्राफिक बोल रहा है इसके पीछे, इस पर बस डबल टैप कर दीजिए। एडिटिंग एडिट बॉक्स यूट्यूब, जैसे ही मैंने कोई भी चैनल खोजें, कोई भी चैनल खोजें तो हम Selected. मैंने मेरे चैनल का नाम कॉपी कर रखा है, तो वो कॉपी हम यहाँ पर से डाल देंगे। ये इसके एजुकेशन ये देखिए, इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर सारे चैनल आ गए। तो मेरा ऊपरी ऊपर चैनल है ये वाला इसके एजुकेशन एंड म्यूजिक, ठीक है, ये बहुत अच्छा चैनल है, आप इसे विजिट कर सकते हैं। इसे हमने चेक कर दिया है, टिक कर दिया इसको। अब हम टिक बॉक्स चुने, टिक बॉक्स यानी कि टिक कर दिया, इस पर टिक का दिखाई देंगे। इसके अलावा आप अब इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है, हमने सेव तो कर ही लिया चैनल का नाम, यहाँ पर चैनल का नाम आ गया है हमारे चैनल का। तो हम नीचे चलते हैं सेव का, ये देखिए हो गया। तो यहाँ पर एक तो बटन है डन और एक है कैंसिल, तो हम डन कर देते हैं, हो गया बटन, चैनल मैंने डन कर दिया। बनाना अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वेब व्यू प्रतीक्षा करें, विंडो से बाहर नहीं निकले, नहीं तो आपका चैनल सेव नहीं होगा हिसाब से। तो आप ये कर सकते हैं। अब इसके अलावा ये तो हो गया हमारा, अभी हम यहाँ पर सेक्शन जोड़े, ये सेक्शन आप और भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हमें अब कुछ नहीं जोड़ना। अब हम ऊपर चलते हैं टैब लिस्ट, चैनल देखें अभी नहीं, बटन प्रकाशित करें बटन, इस बटन पर क्लिक करेंगे, प्रकाशित करें, प्रकाशित करें बटन पे भी क्लिक करना पड़ेगा, यानी कि चैनल पर जाएं, ये देखिए ये प्रकाशित कर दिया, सेव किए गए सभी बदलाव सेव किए गए, प्रकाशित किए गए, ठीक है। अंग्रेजी में इसका अर्थ होगा MX Player Pro, ऑल चेंजेस आर सेव्ड, आपके प्रकाशित ने पब्लिश्ड आएगा आपके वहां लिखा हुआ, ठीक है ना, इसमें प्रकाशित आ रहा है आपके पब्लिक आएगा, पब्लिश्ड आएगा, तो आप पब्लिश्ड कर दीजिए। अब वो चैनल आपके
YouTube होम पेज पर ऐड हो चुका है। अब मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर चलते हैं YouTube चैनल पे, नेविगेट अप बटन। ये हमारा दूसरे वाला चैनल है SK Music, SK Education, इसको हम हटाते हैं यहाँ से। YouTube Premium, और अकाउंट चैनल क्लोज बटन, ये देखिए टर्न योर चैनल, योर चैनल पे चलते हैं। ये हमारा चैनल है और कम्युनिटी कम्युनिटी और चैनल, ये देखिए हमारे पास MD Music and Education। ये एक चैनल गलत आ गया, इसको मैं हटा दूंगा, ये पहले गलत लगा दिया था मैंने, इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। सब्सक्राइब टू MD Music and Education, शो ऑल, ठीक है ना, शो ऑल, आप सारे चैनल देख सकते हैं। लेकिन अभी हम जो हमने जो चैनल लगा वो देखते हैं कि ये सबसे पहले ऊपर है SK Network, ये भी मेरा चैनल है, और ये SK Education and Music 56 सब्सक्राइबर्स, ये भी मेरा चैनल है, ये दोनों मेरे चैनल है, तो मैंने दोनों चैनल लगा लिए। आप भी ऐसा कर सकते हैं, अपने पसंद का कोई भी चैनल लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो आशा आपको मेरी बात समझ आई होगी। करंट सेटिंग इज फॉर ऑल नोटिफिकेशंस, करंट सेटिंग ऑल नोटिफिकेशन, करंट सेटिंग इज फॉर ऑल MD Music and Education। अब यहां से आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। MD Music सब्सक्राइब टू MD Music and शो ऑल, ठीक है ना, तो इस तरह से आप ऐसा कर सकते हैं। तो आशा आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी कि आप कैसे अपने चैनल को और सेट कर सकते हैं, और कोई भी चैनल को रिमूव करना हो तो कैसे कर सकते हैं, वो भी हम सीख लेते हैं। चलिए, टैप टू पॉज रिकॉर्डिंग बटन, टैप टू पॉज रिकॉर्डिंग बटन, चैनल को रिमूव करते हैं। तो चैनल को रिमूव करने के लिए आपको वापस उसी भी, हम सबसे पहले लेआउट टैब में आए थे, उसी लेआउट टैब में जाना है, वहां पर आपको सबसे पहले सारे वीडियो दिखाई देंगे। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा चुनिंदा चैनल, चुनिंदा चैनल, ठीक है, चुनिंदा चैनल, यानी कि यानी कि कस्टमाइज चैनल, ठीक है। तो आपको डाउन एरो कर बस राइट स्वाइप करना है, चैनल नो डिस्क्रिप्शन अवेलेबल, ये पहले enabled image, चुनिंदा चैनल, चैनल टू चैनल, चैनल टू चैनल, चैनल टू चैनल लिखा हुआ है ना, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इसमें हमने दो चैनल लगा रखे हैं, इस पर क्लिक कर दिए बस। चुनिंदा चैनल, चैनल, चुनिंदा चैनल, चैनल appears to say moose, appear to say SK Music or appears to channel के विकल्प, यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये विकल्प आ गए, दो विकल्प मिलेंगे आपको यहाँ पर। list item one of two, सेक्शन के कंटेंट में बदलाव करें, सेक्शन के कंटेंट में बदलाव करें, यानी कि चेंज सेक्शन कंटेंट, और दूसरा आएगा इन लिस्ट आइटम टू ऑफ टू, सेक्शन हटाएं, रिमूव सेक्शन। अगर आपको ये दोनों ही चैनल हटाने हैं जब, तो रिमूव सेक्शन करो, लेकिन हमें दोनों चैनल नहीं हटाने, सिर्फ एक ही चैनल MD Music जो गलती से सेलेक्ट हो गया उसे हटाना है। तो क्या करेंगे, इन लिस्ट आइटम वन ऑफ टू, सेक्शन के कंटेंट में बदलाव करें, क्लिक करेंगे, क्लिक कर दिया मैंने। अब यहाँ पर चैनल का नाम आ रहा है, बस राइट स्वाइप कीजिए, एडिट बॉक्स, अपने होम पेज सेक्शन में SK Education and Music चैनल को ग्रुप से हटाएं। देखिए यहाँ पर एक SK Education and Music ग्रुप से चैनल को हटाएं, ये लिखा हुआ, और एक ये MD Music and Education Hub, MD Music and Educational Hub, इसे ये है, तो इसमें से दोनों में से कौन सा हटाना है, MD Music वाला हटाना है अपन को, क्योंकि अपन गलती से सिलेक्ट हो गया था। MD Music and Education Hub चैनल को ग्रुप से हटाएं, डबल, तो इसको लिखा होगा रिमूव MD Music ग्रुप टू सेक्शन, ये लिखा होगा, तो आपको रिमूव आएगा, आपको यहाँ पर हटाएं लिखा रहा है, क्योंकि मैंने हिंदी में कर रखा है मेरे यूट्यूब चैनल को। तो आप अपने हिसाब से यूट्यूब को अंग्रेजी या हिंदी कर सकते हैं, और हिंदी में बहुत अच्छे से समझ आती है बात, तो आप हिंदी में मेरे हिसाब से ज़्यादा पसंद करेंगे इस चीज़ को। तो लेकिन मैंने अंग्रेजी भी साथ साथ बताया, इसलिए इस तरह का कोई कमेंट नहीं करे कि आपने हिंदी में क्यों बताया, ठीक है ना। तो टाइप कर दीजिए, चैनल को पसंद के मुताबिक बनाना, ये मैंने डबल टैप कर दिया। अब और स्वाइप करेंगे, एडिट बॉक्स, यूट्यूब, अपने सेक्शन में मौजूद SK Education and SK Education and Music रद्द करें, बटन रद्द करें, हो गया, हो गया, बटन, इस पे डबल टैप कर दीजिए के विकल्प, यानी रद्द करें मतलब कैंसिल, और हो गया मतलब डन, तो डन पे क्लिक करना है हमें। फिर हमें वापस पब्लिश्ड पे जाना है, ऊपर लेआउट में जाते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, जहाँ पर लेआउट, ब्रांडिंग और जनरल, उसके बाद आपको और एक दो ऑप्शन और मिलेंगे, हाँ, व्यू चैनल, उसके बाद आपको मिलेगा नॉट नाउ, और फिर आएगा पब्लिश्ड, ये हमारा अब सेव हो जाएगा, अभी सेव हो जाएगा। अब थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, ये सब हमने कर लिया यहाँ पर, और यहाँ देखिए ये मेरे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, चैनल को पसंद के देखिए सिलेक्टेड, लेआउट हमने सिलेक्ट कर रखा था, देखिए ब्रांडिंग, सामान्य चैनल देखें, चैनल देखें, अभी नहीं प्रकाशित करें, पब्लिश्ड, इस पे क्लिक कर देंगे, ये पब्लिश्ड मैंने क्लिक कर दिया, लॉन्ग प्रेस कर देते नहीं तो, चैनल पर ये क्लिक हो गया।
सभी बदलाव सेव किए गए, ये देखिए सभी बदलाव बदलाव, प्रकाशित किए गए, प्रकाशित करें, सारे बदलाव सेव हो गए। अब हम होम बैक कर देते हैं यहाँ से। सिस्टम लॉन्चर। तो अब हम यहाँ पर इस बात को ध्यान रखने ध्यान देने योग्य है कि अब हम क्या करेंगे। अब हम यहाँ पर यूट्यूब जो म्यूजिक है, सॉरी यूट्यूब प्रीमियम, हम यूट्यूब को ओपन करेंगे क्योंकि मैंने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा है यूट्यूब का, तो यूट्यूब प्रीमियम बोलता है वो। और वहां पर अकाउंट सेक्शन, जहाँ राइट हैंड की तरफ अकाउंट होता है उसके लेफ्ट में सर्च होता है, तो अकाउंट पर क्लिक करना है। वहां पर आपको योर चैनल में जाना है। योर चैनल में जाने के बाद, यानी कि आपका चैनल मेरे लिखा आता है, आपके योर चैनल आएगा। तो उसके बाद फिर आप जो है आगे कौन कौन से टैब आते हैं वो देख लेते हैं जल्दी से। क्लोज यूट्यूब, नेविगेट अप बटन, कम्युनिटी, कम्युनिटी, पेज फोर, मेंबरशिप, चैनल, चैनल्स। ये देखिए चैनल्स पर आ गए। अब seven. सिर्फ हमारे पास दो ही चैनल है, एक तो है एसके नेटवर्क, एसके नेटवर्क, और एक है शो ऑल, शो ऑल, और एक है एसके एजुकेशन एंड म्यूजिक, एसके एजुकेशन ऑन म्यूजिक। ये दो ही ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है ना। तो एसके म्यूजिक और एसके नेटवर्क दोनों चैनल हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं। अब आप इन्हें चाहें तो प्राइवेट या पब्लिक भी कर सकते हैं, लेकिन वो पहले तो पब्लिक ही होते हैं। आप जब किसी दूसरे चैनल से उनसे वॉच करवाएंगे ना, दूसरे कोई, जैसे मैंने एसके नेटवर्क खोल लिया तो वहाँ पर मैं टेक्नो विद फ्रेंड्स खोलूंगा तो इसमें होम वीडियो सब ऑप्शन आएगा। तो चैनल के अंदर आपको वहाँ पर भी ये दोनों चैनल दिखेंगे, मतलब कि मेरे चैनल को जो भी विजिट करेगा, मेरे क्षमा प्रार्थी हुआ फिर गलत बोल रहा हूँ, इस आपके टेक्नो विद फ्रेंड्स चैनल को जो भी विजिट करेगा उस पर आपको जब चैनल पर जाओगे तो आपको यहाँ पर ये दोनों चैनल दिखाई देंगे। तो आशा है आप इन दोनों चैनल्स को भी उतना ही प्यार देंगे, ये जो नए चैनल मैंने तैयार किए हैं तो आप इनको भी उतना ही प्यार देंगे जितना कि आपने टेक्नो विद फ्रेंड्स को दिया है। बहुत शानदार शानदार कराओके यहाँ पर आपको मिलेंगे, आप जरूर सुनिएगा। और एसके नेटवर्क में हम कुछ ऐसे वीडियो बनाएंगे जो हम टेक्नो विद फ्रेंड्स पर नहीं बना सके किसी कॉपीराइट के चलते या कुछ भी, तो उसमें हम कुछ और नया करेंगे ताकि आपको बहुत ही शानदार ट्यूटोरियल्स मिल सके। मैं कोशिश करूंगा उस पर कुछ एडवांस तरीके के विशेष वीडियो लाने की, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।